जीनू बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज दिन है थर्सडे एंड जीनू को मैं लेके आ चुकी हूँ स्कूल से। जीनू मैडम बैठी हैं, कपड़े चेंज कर दिए इसके। मैं सोचा आज मैं लेके आ जाती हूँ उसको स्कूल से, मुझे कुछ सामान भी लेना था। टॉफी खा रही है अभी जीनू, और टॉफी किसने दी जीनू को? टू किसने दी? एक दादी ने, जीनू ने, जीनू ने अपने आप को दे दी और एक दादी ने दे दी। स्कूल से लेके आई थी, कभी टीवी में चलाना बेटू, दो मिनट रुक जाओ। तो मुझे ना सिंगार का सामान लेना था। एक्चुअली कल है देवठान एकादशी, तो तुलसा जी की पूजा करते हैं हम लोग, तो तुलसा जी को चढ़ाएंगे। उनका विवाह होता है ना तुलसा जी का, ऐसे ही नॉर्मल घर पे कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, उनको सब कुछ चढ़ा देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा वो भी ले आऊँगी साथ में और जीनू को भी ले आऊँगी स्कूल से। जीनू प्लीज, तुम्हें को अंदर जाना पड़ेगा। स्कूल से आने के बाद ना टीवी खोल लेती है अभी, तो इसलिए फिर मैंने दोनों काम जो है वो निपटा लिए अपने। अब मैं कर लेती हूँ लंच। और देखो सिंगार के दुकान में ना ये सब ले आई हूँ, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। मम्मी को ही दूंगी मैं तुलसा माता पे चढ़ाने का, फिर मम्मी को दे देती हूँ। देखो यार, एक तो चूड़ी ले आई मैं, वही रेड कलर में चूड़ी है, चुन्नी है, दो चुन्नी चढ़ाते हैं, और जो भी मेकअप का सामान होता है। मम्मी मेहंदी ना बालों में लगा लेती है, इसलिए बालों वाली लाई हूँ ना, हाथों वाली यूज़ नहीं कर पाती, वो रखी रह जाती है। और वही बिंदी और महावर वगैरह जो भी होता है वो सारा चीज़ है इसमें। और आज मुझे तेल भी डालना है बालों में, कल से, अरे यार कल तो सिर भी नहीं धुलेगा। मैंने सोचा था व्रत रहता ना एकादशी का, तो मैंने सोचा था कल सिर धो लूँगी, इसलिए मैंने बुधवार को सिर नहीं धोया था, मैंने सोचा फ्राइडे को धो लूँगी। फ्राइडे को तो, कल तो एकादशी है, तो मुझे कोई याद ही नहीं रहा एकादशी पर सिर नहीं धोते हैं। और इसमें व्रत भी रहती हूँ, अच्छी बड़ी मानी जाती है, और सारगे भी काफ़ी होते हैं देवठान एकादशी में, शादियाँ बहुत सारी होती हैं, तो हमारी एक शादी है बट व्रत है, तो हम तो जाएंगे नहीं। बाकी ये चले जाएंगे हस्बैंड, जीनू चली जाएगी, पापा चले जाएंगे, बाकी देखते हैं कौन कौन जाता है। मम्मी का और मेरा तो व्रत होगा उस दिन, तो हम लोग तो जाएंगे नहीं, दीदी का ही व्रत है। तो ये बात तो मैं सोचा यार तेल डलवा लेती हूँ मम्मी से, जाके चंपी करवा लेती हूँ, बहुत टाइम से चंपी हुई नहीं है, सिर की बाल सूखे सूखे से हो रहे हैं, बट अब तेल डलवा लूँगी, तो यार कल तक तेल डला रहेगा। देखो जीनू कितना अच्छा सर्कल बना रहा है, बट उसी के ऊपर ऊपर फेरो पेंसिल इरेजर का है। वेरी गुड, जीनू बहुत अच्छे काम करते हैं। ओ भाई साहब, एक बार में कर दिया। देखो जीनू ने कितने अच्छे कलर किए अपने आप। अब मैं जीनू ने अपने आप किए, ये मैंने बिल्कुल नहीं हाथ लगाया इसको। वाह, थोड़ा थोड़ा ना यहाँ रह गया, यहाँ रह गया थोड़ा, यहाँ और कर दो। नहीं नहीं, बस इतने ऐसे करने कलर। देखो मेरी कैटी, कैटी हमें दिखाओ। तो यार अभी हो गया रात का टाइम और खाने की तैयारी कर ही रही थी मैं, तो इतने में मेरे को दिख गए धनिए। मम्मी ने एक्चुअली इकट्ठे ले लिए हैं, ये एक दो दिन से रखे हुए हैं इकट्ठे सारे, तो ये बीच बीच में से ना फिर ख़राब होने लग जाएंगे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इनको ना कट करके रख देती हूँ। अगर काट के रख दो ना तो जल्दी ख़राब नहीं होते धनिए, तो काट के और फिर पॉलीथीन में डाल के रखूँगी, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते कटे हुए जो होते हैं। तो बस इनको जो सही सही है ना, बीच में से थोड़े से हल्के से गले से थे, तो वो निकाल रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, और साफ़ करने के बाद मैं लेके बैठ गई आराम से। बहुत सारे धनिए हैं ये, तो इनको अब कट कर लेती हूँ, और फिर डेली एक तो ईजी रहता है यूज़ में भी, ऊपर से ख़राब भी नहीं होते कटे हुए धनिए, तो इसलिए मैंने सोचा आज ये काम पहले कर देती हूँ, उसके बाद फिर दाल वाल फ्राई करनी है मुझे, तो वो दाल फ्राई करूँगी। और यहाँ जीनू ने ले लिया आटा, तो वो आटे से खेल रही थी चेयर लगा के, वो ऐसे ही करती है शाम के टाइम पर आटा गूंथती हूँ ना मैं, तो जीनू ले लेती है और फिर उससे कुछ ना कुछ खेलती रहती है। तो यहाँ पे देखो हरे हरे धनिए बड़े अच्छे लग रहे हैं, जीनू ना कई बार खाने भी आई थी इनको धनियों को, क्योंकि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बट ऐसे कच्चे ना खा नहीं पाते, उसके जैसे अटकते हैं ना जीभ में, चिपकते हैं, तो उसने सारे निकाल दिए बाहर। तो सब्जी में तो अब खाने लग गई है, मैं डाल ही देती हूँ सब्जी में। कलर कर दिया, इतना सुंदर लग
नहीं नहीं अरे ऐसा करके दिखाओ ऐसे जीनू ने दो कितना अच्छा कलर किया है। मैंने अच्छा किया है ना कलर तो आपको इसमें अच्छा लग रहा है। इसमें फ्लावर में देखो क्या देखो फ्लावर में अच्छा लग रहा है। वाह सीधा तो करो और सीधा है ना देखो अब ऐसे कर रहा है। ये जीनू ने अपने आप करा जो भी करा सारे जो करा ठीक है। अरे गिफ्ट ये तो दिखाओ कांगे हो रख दिया था रैबिट। ये देखो ये जीनू की कला कला नहीं की फिर क्या किया ये देखो इसमें गिफ्ट नहीं है बापू जी गिफ्ट नहीं है चिपटे बापू ये गिफ्ट नहीं है चिप से ये गिफ्ट होता है तेरा दे आज हैप्पी दिवाली है और पटाखे से लाते हैं आपको जरूरत है आज चलते जा रही है इनको लेने अब कहा है जीनो ब्लॉग बना रही है। और ये हो गई है दाल फ्राई। आज मैंने बनाई है मिक्स दाल सारी तो उसी को फ्राई कर रही हूँ। सारा मसाला जो है रेडी हो गया है। प्याज धनिए और धनिया तो काट ही लिए थे। प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह सब कट कर लिया था। उसके बाद डाल दिए दाल और आलू भी मैंने फ्राई करे हैं। आज जो आलू है ना जीरा आलू वैसे नहीं करे आज मैंने ना उनमें टमाटर ऐड कर दिया था। तो टमाटर आलू सूखे होते ना तो वैसे बन चुके हैं तो वो सब्ज़ी रेडी हो गई है और साथ में जाएगी दाल और बस रोटी सेक लेंगे गर्मा गर्म जब सब लोग खाएंगे तब सेक लेंगे। खाना तो यार खा चुके हैं हम लोग। डिनर हो चुका है सबका और बस रात के जो बर्तन है क्लीन कर देती हूँ और किचन है किचन को भी साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मेरे को ना सब्ज़ी देखनी है कल क्या सब्जी बनेगी उसका भी सोचना है डिसाइड करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सुबह क्या बनेगा तो रात में ही सोच के रखना पड़ता है। नाश्ते में क्या करना है वो भी सोच के रखना पड़ता है। एंड अब देख लेते हैं सब्जी वगैरह क्या क्या है। ये सिंगाड़े लिए थे मम्मी ने क्योंकि कल है देवठान तो देवठान पर जो होता है ना सिंगाड़ों की काफ़ी इंपॉर्टेंस मानी जाती है। इनसे पूजा होती है तो इनको बॉईल किया जाएगा बॉईल करके खाए जाएंगे और पूजा में यूज़ होंगे। जो भी सर्दियों में चीज़ें चलती हैं ना तो देवठान पे वो सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। कई लोग जैसे कार्तिक मास नहाते हैं ना तो कार्तिक में जो जो चीज़ें छोड़ते हैं वो भी देवठान पे चढ़ाते हैं क्योंकि मम्मी को देखा है मैंने अपने करते हुए। तो फिर चढ़ाने के बाद फिर तभी उसके बाद खाते हैं। तो अभी सर्दियों में जो चल रहा है ना ये मोस्टली देवठान पे चढ़ेगा। तो वही शकरकंदी हो गई सिंगाड़े हो गए मूंगफली चलती हैं तो मूंगफली भी चढ़ा देते हैं लोग। तो जो भी अपना होता है वो कर देते हैं। और यहाँ देखो पापा लेके आ गए मेथी हरी हरी पहली मेथी हमारे सीज़न की आई है जो तो आने लग गई होगी मार्केट में तो पापा ले आए। बट कल तो बनाऊंगी नहीं मैं क्योंकि कल हमारा तो फास्ट है मम्मी का मेरा तो ये लोग रह जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी उनके लिए। तो कुछ और देखती हूँ कुछ और बना लूँगी इन लोगों के लिए। और यहाँ आ गई हम सब की मूली। मूली काफ़ी टाइम बाद आई है वैसे बीच में आनी रही थी पापा लाए नहीं थे। और अदरक मंगाई थी मैंने अदरक ख़त्म हो गई थी। आजकल चाय में अदरक डाल डाल के पी रहे हैं खूब सारी क्योंकि सबको जुकाम वगैरह चल रहा था। अभी तो खैर ठीक है सब लोग बट जुकाम वगैरह चल रहा था ना तो मैंने खूब अदरक डाल डाल के चाय बनाई है सुबह शाम कई बार रात में भी हस्बैंड बोलते थे तो फिर रात में ही बनाती थी। तो फिर बस वो मंगा के रख लिया। मुझे ना अदरक की चाय बहुत अच्छी लगती है। बिना अदरक के तो यार ऐसा लगता था पानी सी चाय हो गई तो वो टेस्ट नहीं आता पता नहीं। मतलब मेरे को तो है ऐसा कि मुझे ना अदरक चाहिए होती है ऐसा नहीं सर्दियों में मुझे गर्मियों में अच्छी लगती है डाल के पीना। तो अभी जो सारी सब्जियाँ ना इनको सेट करके रख देती हूँ और सुबह के लिए देखती हूँ यार क्या बनाऊँगी सोचूँगी। और ये सामने जो कपड़े रखे हैं ना ये भी मुझे फोल्ड करके रखने हैं। रात के काम ना ख़त्म नहीं होते ऐसा नहीं कि डिनर बना लिया रोटी सेक ली बस काम ख़त्म हो गया ऐसा नहीं है। जब गृहस्थी में होते हैं ना यार तो कुछ ना काम नज़र आता ही रहता है ये भी सेट करो वो भी सेट करो कोई चीज़ ख़राब होने वाली तो नहीं है तो वो देखो। तो लेडीज़ों का तो यही होता है कि उनको ना अगर रात में सोने का मतलब वो ना होगा ना अगर रात ना हो तो हम लोग तो ऐसे ही लगे रहे कुछ ना कुछ सेट करने में। और मेरे को तो बिल्कुल नहीं देखा जाता कोई चीज़ इधर उधर पड़ी होती है ना जिन्हों डाल देती है तो जब तक मैं उसे रख नहीं लेती ना उसकी जगह पे तब तक मेरे को ना अजीब सा लगता रहता है घर अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरे साथ है एक कीड़ा देखो यार यहाँ पे क्या हाल कर रखा है जीनू मैडम ने सारे कलर जो है निकाल के डाल दिए हैं और ये अभी तक नहीं रखे नीचे भाग गई है। ये कांड करते हैं बच्चे ना अब ये सब उठा के रखती हूँ। ये कपड़े जो हैं कपड़े फोल्ड कर देती हूँ कहाँ है पीछे रख के कमर में मेरी हो रहा है दर्द आज पता नहीं कभी कभी ना दर्द होने लग जाता कमर में। अरे
कपड़े रख दूँ, फिर थोड़ी देर लेटूंगे, फिर इन सबको दूध वगैरह देना और फिर देखूंगी आप लोगों की वीडियोस कैसी शक्ल हो रही है मेरी, गंदी थी ना। चलो मैं इसके ना कलर सारे रख देती हूँ पहले। और ये जो कलर्स है ना, ये कलर किट्टू ने दिए थे जीनू को, मतलब सफाई करी थी ना, साफ सफाई नीचे दीदी ने भैया ने, तो उसी में निकले होंगे इनके पुराने, तो अभी तो काफ़ी सही है, मतलब सारे कलर काफ़ी अच्छे अच्छे और अभी तक बिल्कुल सही हैं। तो जीनू यही लेके बैठ जाती है जब उसका मन करता है ना, कलरिंग करना उसको बहुत अच्छा लगता है तो यही करती रहती है। ये वाली जो बेडशीट है ना यार, पूरी बेडशीट जो है ख़राब हो गई है दो दिन में, इसने कलर ऐसे डाल दिए ना सारे, फैला के चली जाती है और फिर उसके जो दाग है ना वो पड़ चुके हैं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। बेडशीट को अभी बिछाई थी जबकि कुछ दिन पहले ही, और मेरे को चेंज करना पड़ेगा, बहुत गंदी लग रही थी, अजीब सी है, रेड रेड दाग पड़ गए थे उस पर चादर पर, तो वह देखूँगी चेंज करूँगी। तो इसके कलर सेट कर दिए हैं और अब मैं रख देती हूँ ये जो कपड़े हैं ना, ये सेट करके रख देती हूँ। जीनू अभी है नहीं, आपको दिख नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि जीनू है नीचे, ऊपर होती तो वो ये रखने नहीं देती, खुद कुछ ना कुछ करती रहती है, और अभी आएगी ना नीचे से तो फिर देखना कभी कुशन फेंकेगी इधर उधर कुछ ना कुछ, मतलब उसका ही चलता रहता है। अगर हम लोग लेटे ना उसको लेके 11-12 तो उसका टाइम फिक्स है, 12 बजे से पहले तो वो सोती नहीं है, मतलब एक ही मान लो आप 1 बज ही जाता है उसको लेके सुलाने में। हम लोगों का तो काम रहता है, हम लोग क्या, मेरा तो काम रहता ही है फ़ोन में कुछ ना कुछ, तो जब तक मैं बिल्कुल फ़ोन रखना दूँ कुछ बिल्कुल शांति से ना लेट जाऊँ ना, तब तक वो लेटती नहीं है तो शायद सब बच्चों का ऐसे ही होता है। तो ये फोल्ड कर देती हूँ और इनके जो कपड़े हैं ना, इनके कपड़े प्रेस करने हैं, तो अभी मैं इनको इनके कपड़ों को, हस्बैंड के कपड़ों को ऐसे ही रख रही हूँ बस फोल्ड करके, क्योंकि बाहर पड़े रहते हो तो अच्छे नहीं लगते, तो अलमीरा में ही रख दूँगी एक साइड में, फिर किसी दिन देखो टाइम मिलेगा तो फिर दोबारा से प्रेस करनी है। बस वही रूटीन चलता रहता है डेली का, क्या दिखाऊँ आपको नया, समझ में नहीं आता मुझे जो लाइफ है यार यही है। तो चलिए और आज का ब्लॉग भी करते हैं पेंड, ऐसी लाइफ चलती रहेगी और आप लोग ऐसी ब्लॉग में बने रहिए। अच्छा लगता है ब्लॉग तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो इसको, और अपने बहनों में, दोस्तों में, सब में शेयर कर दिया करो जिनको ब्लॉग पसंद है देखना। बाकी हो चैनल पे अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सब्सक्राइब कर लेना, बाय, ठीक है।